यूपी के लोग लगातार लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है, और मैं इसको एक इकबाल का एक नजर, एक इकबाल के एक शेर के साथ उनकी ताकत को, हमारी ताकत को आप सबको बता देना चाहते हैं, इस सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि इकबाल ने कहा है कि तू शाहीन है, तेरा काम है परवाज करना, तेरे सामने आसमां और भी है। जब जेएनयू में सीन हुआ था, उन्होंने नहीं सुनी थी बात, बोल रहे थे कि मुझे इनडायरेक्टली थ्रेट कर रहे थे कि तुम घर चली जाओ वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कानून की ताकत तुम्हें नहीं पता है। मैंने दिल्ली पुलिस शर्म करो, जनता पे हमला बंद करो। मैंने उनको बोला सिर्फ कानून की ताकत कल रात मैंने जेएनयू में बहुत अच्छी तरह देख ली है। मैं उनको ये बताना चाहती थी कि सिर्फ कानून की ताकत से भी बड़ी हमारी हिंदुस्तान की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। स्वामी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रीरामपुर की महिलाओं का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जामिया के छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला छात्र, पुरुष छात्र और एक महिला, इन्होंने इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज इन एनआरसी का, सीए का जो पूरा आइडिया था इनका एस्टेब्लिश करने का कि हिंदुस्तान को तोड़ दिया जाए, उसको छात्रों ने, छात्राओं ने, औरतों ने नकार दिया। आज देखिए 40 किलोमीटर लंबी रैलियां हो रही हैं दार्जिलिंग में, अभी मैंने खबर पढ़ा। आप देखिए तीनों विश्वविद्यालय हर वक्त सड़क पे हैं, तो ये इनका एजेंडा फेल हो चुका है। अब ये जबरदस्ती लाठी गोली मार के चाहें कि हम दबा दें इसको, तो वो दबेगा नहीं। ये जो हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ही बहुत वायलेंट है, वो आइडियोलॉजी हिंसा पर बेस्ड है। जो कास्ट सिस्टम इन्होंने हजारों सालों से जो कास्ट सिस्टम चला था और चला आ रहा है, वो वायलेंट है। तो ये जो इनकी आइडियोलॉजी, वो यही कहती है कि एक है हम और एक है दूसरे, जो दूसरे उसको मार के पीट के उसकी जान लेके उसको इस देश से भगा दे, इस राष्ट्र से, इनके हिंदू राष्ट्र से भगा। और जब देश में हर एक यूनिवर्सिटी ने देखा कि कैसे ये सरकार और ये जो पुलिस है वो यूनिवर्सिटी का एक वॉर जोन बनाना चाहती है, तब इसके अगेंस्ट और जेएनयू और जामिया और एएमयू के लिए सोलिडारिटी में 22 यूनिवर्सिटीज ने प्रेस किया था। जामिया में जो हुआ, एएमयू में हुआ, जेएनयू में हाल ही में हुआ, डीयू में भी एक बार हो चुका। ये एबीवीपी आप कह लीजिए विचारधारा है, दूसरी विचारधारा को अटैक करने की कोशिश कर रही है।